हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल रितु एनसीईआरटी क्लासेस। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जूनियर असिस्टेंट टीचर का पूरा सिलेबस देखा था, जिसमें से 50 क्वेश्चंस मैथ के आने थे, 50 साइंस के आने थे और 50 क्वेश्चंस जीके जीएस के आने थे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या था कि हमारा 150 नंबर का पेपर आना है और जिसमें 150 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले जो उसका साइंस का पोर्शन है उसको टच करेंगे। तो साइंस के पोर्शन में हम लोग सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, बायोलॉजी को पढ़ेंगे और इसके बाद जीके जीएस और मैथ के जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे। ठीक, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ब्लड। कौन सा है? ब्लड है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो ये सारा मैटर प्रोवाइड किया जाएगा वो एग्जाम के लेवल को ध्यान में रखकर जितनी भी हमारी एससीईआरटी की बुक्स होंगी, एससीईआरटी की साइंस की बुक है 6 to 11, 6 to 12, सारे से मैटर को कलेक्ट करके आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। बोर्ड पर क्विक स्लाइड दिख रही होगी जिसमें ब्लड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। जो कौन सा है कि ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब ब्लड एक क्या है, संयोजी ऊतक है। ब्लड जो है वो नेचुरल कोलायड है, मतलब एक प्राकृतिक कोलायड होता है। ब्लड की जो स्टडी होती है उसको हम लोग सीरोलॉजी बोलते हैं या हेमाटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, स्टोरेज ऑफ ब्लड मतलब कि हमारा ब्लड जो होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है, तो वो स्प्लीन और प्लीहा में स्टोर होता है, इसलिए स्प्लीन और प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। और स्प्लीन और प्लिया को आरबीसी का कब्रिस्तान या आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। ठीक, हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है कि ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है, लीवर में होता है और बोन मैरो में होता है। तो लीवर में कहाँ, किस में होता है कि इम्ब्रियो में होता है, और जो बोन मैरो में ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो किस में होता है, एडल्ट में होता है। तो इस बात को हम लोग याद कैसे रखेंगे, एडल्ट मीन्स ए, आगे का हम लोग ए लेंगे, बी बोन मैरो का क्या लेंगे, बी, तो ए बी। इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि एडल्ट में जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है, बोन मैरो में होता है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है कि फीमेल में कितना ब्लड होता है, फीमेल में ब्लड होता है 4.5 लीटर से 5 लीटर तक ब्लड पाया जाता है। फीमेल में कितना, 4.5 से 5 लीटर होता है, और मेल में जो ब्लड होता है वो 5.5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। तो इस बात को याद कैसे रखेंगे, जैसे कि फीमेल की बात हो रही है तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 4 महिलाएं होती हैं, कहीं पर इकट्ठा होती हैं तो वो क्या करती है, बातचीत जरूर करती हैं। तो 4 महिलाएं, तो इससे हम लोग क्या ले लेंगे, 4.5 लीटर से 5 लीटर ब्लड जो है वो फीमेल में है, और मेल में कितना है, 5.5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। ठीक, फीमेल में हीमोग्लोबिन कितनी होती है, फीमेल में हीमोग्लोबिन होती है 13 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक, और मेल में जो हीमोग्लोबिन होती है वो कितनी होती है, 14 ग्राम पर डेसीलीटर। अब हमसे पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में एफ ई तत्व पाया जाता है, जिसको हम लोग आयरन भी बोलते हैं। ठीक, इसके बाद क्या है कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो होती है वो 200 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे कि कोलगेट, तो जो हमारा कोलगेट पहले 20 रुपए का मिलता था वो आज कितने का मिल रहा है, इसको याद करने के लिए कि 200 रुपए का मिल रहा है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल कितना है कि 200 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, और कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एक कैसा होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसके कारण हम जब हम ब्लड को क्या करते हैं कि हर टच करते तो वो हल्का हल्का सा हमको कैसा लगता है, चिपचिपा फील होता है। तो वो किसके कारण फील होता है, वो कोलेस्ट्रॉल के कारण फील होता है। ठीक, इसके बाद में हमसे कहा गया कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की, ब्लड सर्कुलेशन की खोज की है विलियम हार्वे ने, और ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, ब्लड ग्रुप की खोज की है कारलैंड स्टीनर और वीनर ने, दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने किसकी खोज की थी, ब्लड ग्रुप की, कारलैंड स्टीनर और वीनर ने की थी। हमारे ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, 4 होते हैं, AB और AB और O। ठीक, इसके बाद में क्या है, ब्लड की मात्रा जो होती है वो बॉडी वेट का 7 से 8% होती है। ब्लड की मात्रा कितनी होती है, बॉडी वेट का 7 से 8%, जितना हमारा बॉडी वेट होगा उसका क्या निकालेंगे, हम 7% निकालेंगे और उसका 8% निकालेंगे, जो भी हमें संख्या प्राप्त होगी उतने लीटर क्या होगा कि हमारे बॉडी में ब्लड होगा। ठीक, इसके बाद में क्या है कि वाटर की मात्रा जो होती है ह्यूमन बॉडी में वो कितनी होती है, बॉडी वेट का 60 से 65% होती है, जितना हमारा बॉडी वेट होता है उसका हम पहले 60% निकाल लेंगे
और फिर हम क्या करेंगे कि जितना हमारा बॉडी वेट होगा फिर हमने उसका 65% निकाल लेंगे। जो हमारे पास संख्याएं आएंगी तो उसी में से कोई एक संख्या जो होगी उतना वाटर क्या होगा हमारी बॉडी में पाया जाएगा। ठीक, इसके बाद इसको याद कैसे करेंगे, जैसे कि ब्लड की मात्रा कितनी है 7 से 8% है बॉडी वेट का, तो जल की मात्रा कितनी होगी 60 से 65%, कितनी 60 से 65%, तो कैसे 7 से 8 60 से 65, 7 से 8% और 60 से 65%। ठीक, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, लर्न भी हो गया होगा। ठीक, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना है, 120 दिन होता है। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, 4 दिन होता है। और प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है, 7 दिन होता है। अब ब्लड टेस्ट करने में किसका यूज किया जाता है, ब्लड टेस्ट करने में किसका यूज किया जाता है, सीरम का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्या है कि डीएनए टेस्ट में किसका यूज किया जाता है, तो डीएनए टेस्ट में डब्ल्यूबीसी का यूज किया जाता है। अब होगी कि ब्लड में क्या पाया जाता है कि डब्ल्यूबीसी भी होती है, आरबीसी भी होती है, प्लेटलेट्स भी होती है, तो केवल डब्ल्यूबीसी का यूज ही डीएनए टेस्ट में क्यों किया जाता है, क्या हम आरबीसी का और प्लेटलेट्स का यूज नहीं कर सकते हैं, तो इस बात को जानने के लिए आप लोगों को वीडियो में लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट क्या है कि फंक्शंस ऑफ ब्लड। ठीक, फंक्शंस ऑफ ब्लड, ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं, ब्लड का फंक्शन होता है पहला बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करता है। ब्लड क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करता है, बी से ब्लड, बी से बॉडी, बी से बैलेंस। ठीक, ब्लड क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करता है। इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति की बॉडी में जितना ज्यादा ब्लड होगा उसको क्या होगी कि गर्मी उतनी ज्यादा लगेगी, क्योंकि जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी को हीट प्रदान करता है। और जिस भी है कि बॉडी में क्या होगा कि ब्लड कम होगा उसको उतनी ज्यादा क्या लगेगी, ठंड लगेगी। नॉर्मल सा पंखा भी चलेगा उसको क्या लगेगी, ठंड। तो इससे हमें पता चलता है कि जो ब्लड होता है वो बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, बैलेंस करता है। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। जो हमारा ब्लड होता है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को क्या करता है, बाहर निकालता है। और गैस का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। नेक्स्ट नंबर क्या है कि ब्लड गैस का ट्रांसपोर्टेशन करता है। जैसे कि ये क्या है, हमारी ब्लड वेसल्स बनी हुई है, ये हमारी है ब्लड वेसल्स, जिसमें क्या है, पूरे में क्या भरा हुआ है, ब्लड भरा हुआ है। ये हमारी ब्लड वेसल्स है, पूरे में ब्लड भरा हुआ है। तो जब हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, मतलब सांस लेते हैं, तो क्या होती है कि O2 जो होती है वो अंदर आती है। O2 क्या करते हैं, हम लोग अंदर लेते हैं, और CO2 क्या होती है कि बाहर निकल जाती है। तो ये क्या करता है कि जो O2 जो होती है वो आती है, वो किससे कंबाइंड हो जाती है, हमारे ब्लड से कंबाइंड हो जाती है। और इसी ब्लड से क्या होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ही बाहर जाती है। तो क्या हो गया कि गैस के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, कौन, ब्लड। इसके बाद में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, कौन करता है, ब्लड। क्योंकि हम जो कुछ भी खाते हैं अच्छे से अच्छा खाते हैं, तो उसके जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे किस में जाते हैं, हमारे ब्लड में पहुंच जाते हैं। फिर ब्लड से क्या होता है कि ब्लड हमारी पूरी बॉडी पर क्या करता है, सर्कुलेट करता है, घूमता है। तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं कि हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचते हैं, हमारी सेल्स तक पहुंचते हैं। ठीक उसी तरीके से क्या है कि हार्मोन का भी ट्रांसपोर्ट करता है। जो हमारे हार्मोन होते हैं वो सबसे पहले किस में जाते हैं, ब्लड में जाते हैं, और ब्लड के द्वारा ही पूरी बॉडी में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो जो हमारा ब्लड होता है वो न्यूट्रिएंट्स को और हार्मोन का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक, स्टेट ऑफ मैटर्स, पदार्थ की अवस्थाएं। आज तक हम लोगों को पदार्थ की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं, 3 बताई गई हैं, ठोस, द्रव, गैस। पर आज से हम लोग पदार्थ की 3 अवस्थाएं नहीं बताएंगे, हम बताएंगे कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी होती है, सबसे पहली होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, और एक फोर्थ होती है प्लाज्मा, और फिफ्थ कौन सी होती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कौन सी होती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो होती है, ये हमारी 5 क्या होती है, स्टेट्स होती है किसकी, मैटर की। अब इसके बाद अब हमारा क्या है कि मेन पार्ट ब्लड का शुरू हो रहा है। क्या मेन पार्ट क्या है कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड को कितने भागों में बांटा गया है,
ब्लड को दो भाग में बांटा गया, कितने भाग में, दो भाग में। लिक्विड होता है, एक भाग उसका ग्रैनुलर होता है, तो हम कह सकते हैं कि ब्लड को हमने कितने भाग में बांट सकते हैं, दो भाग में, लिक्विड में और ग्रैनुलर में। ठीक, तो जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा। ठीक, और जो ग्रैनुलर पार्ट होता है इसको हम लोग ब्लड कार्पसल्स मतलब रक्त कणिकाएं बोल सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद में क्या होता है कि जो हमारा प्लाज्मा होता है वो पूरे ब्लड का कितना होता है, पूरे ब्लड का 55-60% जो होगा भाग वो किसका होगा, प्लाज्मा का होगा। जो हमारा पूरा ब्लड होगा, पूरे ब्लड का 55-60% भाग किसका होगा, प्लाज्मा का होगा। और जो भाग बच रहा है 40-45% भाग जो बचेगा वो किसका होगा, ब्लड कार्पल्स का होगा या ग्रैन्यूलर का होगा। तो ठीक, तो इसको कैसे याद करेंगे, पासे प्लाज्मा, पासे प्लाज्मा, पासे पीला, पासे पचपन। तो जो हमारा प्लाज्मा होता है उसका कलर कैसा होता है, पीला होता है। और उसका ब्लड में, पूरे ब्लड में उसका भाग कितना होता है, 55-60% होता है। ठीक, अब क्या है कि हमारे प्लाज्मा में वाटर कितना पाया जाता है, हमारे प्लाज्मा में वाटर होता है 92% जो होता है प्लाज्मा में वाटर पाया जाता है। बाकी जो 8% बच रहा है वो क्या होते हैं कि इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं और कुछ अदर सबस्टेंस पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा में पाई जाने वाली हमारी प्रोटीन्स कौन कौन सी होती है, प्लाज्मा में हमारी चार प्रोटीन्स पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, चार प्रोटीन्स। पहली कौन सी है, ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन और प्रोथॉम्बिन और फाइब्रिनोजन। तो ये हमारी प्लाज्मा की कितनी प्रोटीन्स हो गई, फोर प्रोटीन्स हो गई, ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन और प्रोथॉम्बिन, फाइब्रिनोजन। इसको 2-3 बार आप बोलेंगे आराम से लर्न हो जाएगा। तो ये हमारी प्लाज्मा की प्रोटीन्स हो गई। अब इसको हम लोग, जो हमारी ग्लोब्यूलिन होती है वो गेहूं में पाई जाती है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स जो होती है वो किसमें, गेहूं में पाई जाती है। जो हम लोग गेहूं के आटे की रोटी खाते हैं उसमें कौन सी प्रोटीन होती है, उसमें होती है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। और एल्बुमिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, अंडे में पाई जाती है एल्बुमिन प्रोटीन। ठीक, और जो प्रोथॉम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है ये ब्लड की क्लॉटिंग करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, मतलब ब्लड का थक्का बनाने के लिए, रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होती है, प्रोथॉम्बिन और फाइब्रिनोजन। ये दोनों प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अगर इसमें से फाइब्रिनोजन को हटा दिया जाए, किसको, प्रोथॉम्बिन हो और फाइब्रिनोजन को हम केवल हटा दें, तो हमारा ब्लड क्या हो जाएगा, थक्का नहीं बना पाएगा। क्योंकि थक्का बनाने के लिए फाइब्रिनोजन प्रोथॉम्बिन दोनों की जरूरत पड़ती है। अगर हम फाइब्रिनोजन को हटा देंगे तो क्या है कि ब्लड क्लॉट नहीं कर पाएगा, रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इन चारों प्रोटीन्स को लर्न कैसे करेंगे, इसकी ट्रिक क्या है, इसको हम लोग मतलब GAP गैप और यहाँ पर क्या लिखते हैं, ये ऐप। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग किसी वर्ड्स को जल्दी में, रोटी सोटी, खाना पीना, ऐसे बोल, उठना बैठना, ऐसे तुरंत बोल जाते हैं ना, तो उसी तरीके से इसको बोलते हैं गैप एफ। ठीक, कुछ नहीं यार, गैप एफ था। ठीक, गैप एफ, तो यहाँ पर क्या होगा, गैप एफ। ठीक, तो जी से क्या होगा, ग्लोब्यूलिन हो गई, एफ ए से क्या हो गया, ए से एल्बुमिन हो गई, पी से क्या होगा, पी से प्रोथॉम्बिन हो गई और एफ से क्या होगी, फाइब्रिनोजन हो गई। ठीक, तो ये चारों प्रोटीन्स जो है वो किसकी है, प्लाज्मा की होती है। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है कि प्रोथॉम्बिन, प्रो मीन्स क्या होता है, पूरा, थॉम्बिन मीन्स थम गया, पूरा थम गया, मतलब एक तरीके से यहाँ पर रुकने का सेंस आ रहा है कि कोई चीज जो है वो क्या हो गई है, रुक गई है। तो इसी तरीके से हम लोग इसको लर्न करेंगे कि ब्लड का जो थक्का बनता है वो किसके कारण बनता है, प्रोथॉम्बिन प्रोटीन के कारण और फाइब्रिनोजन प्रोटीन के कारण। ठीक, और अब आप लोगों को एक अच्छी सी बात बताते हैं कि जो हमारे पैथोलॉजिस्ट होते हैं, जब हम ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तो वो किसका यूज करते हैं, ब्लड के किस पार्ट का यूज करते हैं, वो सीरम का यूज करते हैं। अब देखते हैं कि सीरम क्या होता है, सीरम जब हम प्लाज्मा में से, इसे प्लाज्मा में से जब हम इसकी फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स को हटा देंगे, जब हम प्लाज्मा में से क्या करेंगे, किसकी फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स को हटा देंगे, तो जो हमारे पास मटेरियल बचेगा वो क्या कहलाएगा,
वो सीरम कहलाता है। जो क्या होता है कि नो क्लॉटिंग, जो जमता नहीं है। देखो बात वही आ गई कि जमने के लिए हमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स की और प्रोथंबिन प्रोटीन्स की दोनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो जब हमने क्या किया कि फाइब्रिनोजन को हटा दिया तो जो हमारा बचा वो सीरम था, अब वहां पे क्या आ गया, नो क्लॉटिंग, वो नहीं जमेगा। ठीक, तो जब वो पैथोलॉजी वाले अगर पूरा हमारा प्लाज्मा ही ले लेंगे ब्लड को टेस्ट करने के लिए, फाइब्रिनोजन को वो हटाएंगे नहीं, मतलब कि सीरम नहीं लेंगे, तो वो जैसे ही ब्लड को अपनी स्लाइड पे डालेंगे टेस्ट करने के लिए, जैसे स्लाइड पे डालेंगे डालेंगे तो हमारा ब्लड तुरंत क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, तुरंत जम जाएगा, तो वो लोग ब्लड का टेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि सीरम का यूज करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, इसके बाद अब हम लोग किसमें आते हैं, ग्रैनुलर पर आते हैं, जो कि ब्लड का सेकेंड पार्ट है। इसमें कौन सी आती है, ब्लड कार्पल्स आती है। कितनी होती है, 40-45% होती है। ठीक, ब्लड कार्पल्स कितनी होती है हमारे ब्लड में, 40-45% होती है। इसके बाद हमारी ब्लड कार्पल्स कितने टाइप की होती है, हमारी जो ब्लड कार्पल्स होती है वो 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ह्यूमन बॉडी, ठीक, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में RBC की संख्या कितनी होती है, 5 मिलियन होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 50 लाख। और WBC की संख्या कितनी होती है, 10,000। और प्लेटलेट्स की कितनी होती है, 2 लाख होती है। ये एक एवरेज संख्या लिखी हुई है। वैसे नॉर्मली ह्यूमन बॉडी में प्लेटलेट्स जो होती है वो कितनी, 1.5 लाख से, कितनी 1.5 लाख से कितनी होती है, 4.5 लाख होती है। ठीक, 1.5 लाख से कितनी, 4.5 लाख, जो ये वैल्यू लिखी हुई है इसी के बीच की वैल्यू कितनी है, 2 लाख। आप ये ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हैं कि आपको ऑप्शन कैसा दिया गया है, इन्हीं के बीच का ऑप्शन होना चाहिए, वो ही हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक, इसके बाद क्या है कि आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, 120 दिन होता है। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 दिन। और WBC का 4 दिन, प्लेटलेट्स का कितना होता है, 7 दिन। अब इस बात को याद कैसे रखेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे R बनाएंगे, यहाँ पर क्या बनाएंगे, W बना देंगे। तो R से मतलब क्या है, इसका एक ले लिया, इसका ये क्या बना, ये हमारा ऐसे फोल्ड है, तो इसको हमने अलग कर दिया, इन दोनों को यहाँ पे 20 अपने मन से 0 बना दिया, तो ये क्या लिख दिया, 120 दिन। तो RBC का जो जीवन काल होता है, जो लाइफ साइकिल होती है, वो कितने दिन की होती है, 120 दिन की। ठीक, अब इसके बाद में हमने WBC का ऐप बना लिया। अगर हम इसमें क्या करें, ऐसे डंडा लगा दें, तो क्या ये 4 जैसा नहीं दिख रहा है, तो जो हमारी WBC होती है उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो कितने दिन होता है, 4 दिन होता है। ठीक, अब इसके बाद प्लेटलेट्स का क्या होता है, प्लेटलेट्स का जो लाइफ स्पैन होता है 7 दिन होता है। कैसे याद रखेंगे कि 7 दिन क्या करते हैं कि प्लेट में रखकर खाना खाते हैं, हाथ में रखते थोड़ी खाते, किसमें रखते खाते, प्लेट में। तो याद रखना है कि जो प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट्स का जो लाइफ साइकिल होती है, जो लाइफ स्पैन होता है, कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है। ठीक, RBC का सेफ कैसा होता है, बाई कॉन्वेक्स या ओवल। और WBC का सेफ कैसा होता है, अमीबॉइड होता है या इनडेफिनिट होता है। और प्लेटलेट्स का सेफ कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे कि हमारी RBC कैसे दिखती है, RBC मान लो हम एक कैसे करें, एक रबड़ की बॉल ले, जो क्या हो जाती हो, दब जाती हो। अगर हम उसको बीच से कस के पुश करते हैं तो बीच में क्या होता है कि वो पतला हो जाएगा उसकी पेरीफेरी की अपेक्षा। ठीक है, पेरीफेरी की अपेक्षा बीच में क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, किनारे मोटा रहेगा। बिल्कुल उसी सेफ कि हमारी क्या होती है, RBC होती है। अगर हम एक दैनिक एग्जांपल लें अपने रोजमर्रा जिंदगी का, अगर हम अपने घर में क्या करते हैं, पेड़े बनाते हैं, दूध के खोए के पेड़े बनाते हैं, उसको पहले हम क्या करते हैं, रोल करते हैं, छोटी छोटी गोलियां बनाते हैं, फिर हम उसमें क्या करते हैं, डिजाइन देने के लिए अंगूठे से उसमें ऐसे से एक अंगूठा मार देते हैं ताकि वो क्या है, थोड़ा सा पेड़ा का शेप बन जाए। तो अगर हम अंगूठे से भी मारे और इस उंगली से भी अगर उसको ऐसे दबा देते हैं तो बीच में क्या हो जाता है, पतला हो जाएगा, किसकी अपेक्षा, किनारे की अपेक्षा। तो सेम इसी सेफ की हमारी कैसी होती है, हमारी RBC होती है। ठीक, इसके बाद में ये क्या लिखा है, WBC किस सेफ की होती है, अमीबॉइड सेफ की। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि अमीबॉइड सेफ, अब इसको कैसे लर्न करेंगे कि जो हमारा W होता है, अगर हम यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे WW बना दें, काफी काफी सारे W बना दें, क्या ये कुछ सेफ अमीबा जैसा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो क्योंकि अमीबा का कोई सेफ नहीं होता, अमीबा कहीं से भी बढ़ सकता है, कहीं से भी कम हो सकता है। तो यहाँ पर जो WBC है वो किस तरीके की हो जाए, अमीबॉइड सेफ, तो अमीबॉइड सेफ हो गई या इनडेफिनिट हो गई, इसका कोई भी साइज आती है। जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं, इनका जो साइज होता है वो बहुत छोटा छोटा होता है और ये कलरलेस होती हैं और ये कैसी होती हैं,
कॉन्वेक्स शेप की होती है, मतलब उत्तल शेप की होती है। ठीक, इसके बाद में आरबीसी में क्या, न्यूक्लियस और लाइसोसोम नहीं होता है, इसीलिए तो आरबीसी को उसमें डीएनए के टेस्ट में यूज नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ना तो प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस पाया जाता है, दोनों में न्यूक्लियस नहीं होता है, इसीलिए जब भी डीएनए का टेस्ट किया जाता है तो उसमें केवल और केवल डब्ल्यूबीसी को लिया जाता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में ही न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में ही डीएनए होता है, तभी तो हमारा डीएनए टेस्ट हो पाता है।